अभी हम ना एक देखते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होता है ये प्लांट में एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा मोनोकार्पिक और एक पढ़ा होगा पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब होता है कि फ्रूट इसमें क्या बने, फ्रूट मल्टीपल टाइम। अब जितने भी जो भी प्लांट बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं पेरेनियल। ठीक है, जो प्लांट बहुत सालों तक जिंदा रहे उसी को पेरेनियल बोलते हैं, सर्वाइव मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, मल्टीपल ईयर्स बहुत सालों तक सर्वाइव करते हैं, जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब वो पॉली मतलब बहुत साल तक जिंदा है। अगर आप बहुत साल जिंदा हो तो बहुत साल फ्रूटिंग करते हो, ये नॉर्मल घटना है। लेकिन जो प्लांट होते हैं ना कुछ अमोनिकॉर्पिक का मतलब होता है फ्रूट इसमें फ्रूटिंग कितना हो, सिंगल टाइम, एक ही बार अगर फ्रूटिंग हो रहा है तो उसको मोनोकार्पिक बोलते हैं। लेकिन अब चक्कर फंसता है इसमें मोनोकार्पिक में। अब ये मोनोकार्पिक जो होता है, मैं तुम्हें समझा दूं, मोनोकार्पिक जो होता है तो इसमें ना दो घटनाएं होंगी। मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं ना इसमें दो तरह के हो सकते हैं प्लांट, एक हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, एनुअल हो सकते हैं और एक हो सकते हैं पेरेनियल। ये मोनोकार्पिक एनुअल भी हो सकता है, पेरेनियल भी हो सकता है। और एनुअल में आता है वही ग्रासेस, ग्रासेस का मतलब मोनोकॉट्स, जानते हो 6-7 महीने में इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो ये भी एक सिंगल टाइम ही फ्रूटिंग करेंगे। और पेरेनियल जो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं लेकिन एक ही बार करते हैं, तो उनका ही नाम क्या है, उसका ही एग्जांपल है बैम्बू और नीला कुरंजी। या तो ये 50-100 ईयर्स में करता है और ये किसका करता है 12 ईयर्स में। इसी का साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीलगिरी हिल्स जिसको बोलते हैं कुंथियाना, जिसमें 12 साल में फ्लावर होता है। ये है कहानी। तो जो लोग अपना देखो जो 7-8 महीने और किसी में भी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें वो भी तो होंगे ना मोनोकार्पिक। और ये पॉलीकार्पिक ये हुए जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, बहुत सारे। अरे पॉलीकार्पिक होने के लिए बहुत सालों तक जिंदा रहना जरूरी है, नहीं तो कैसे करोगे। लेकिन अब ये है कि कुछ एक्सेप्शन है कि जिसमें बहुत सालों तक तो जिंदा रहते हैं लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक ही बार करते हैं। और उसी दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, दैट इज कॉल्ड बैम्बू है नीलाकुरंजी। बैम्बू भी एक ग्रास है, आई बस समझ नहीं रही। बैम्बू और नीलाकुरंजी ऐसे हैं जो बहुत सालों तक तो जिंदा रहते हैं लेकिन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग एक ही बार करते हैं। मैंने फ्लावर नहीं लिखा है, फ्रूटिंग से काम चल जाएगा, क्योंकि जब तक फ्लावर नहीं बनेगा फ्रूट कहां बनेगा। वो मोनोकार्पिक होते हैं, तो ये बहुत सालों तक होते हैं जो जिंदा रहते हैं, उनको पेरेनियल बोलते हैं। जो एक साल में ही अपनी लाइफ साइकिल को खत्म कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं। ऐसे भी बाइनियल भी होते हैं, बाइनियल प्लांट भी एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, जैसे शुगर केन वगैरह हो गए, उनमें भी एक ही बार होता है। जो समझ गए कि नहीं, तो वो एक बार भी फ्लावरिंग, पहले साल वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, दूसरे बार सेक्सुअल, उसके बाद मर जाएंगे, तो वो भी मोनोकार्पिक ही है। एक ही बार कोई अगर एक ही बार करे तो मोनोकार्पिक है, चाहे बहुत सालों तक जिंदा रहे चाहे ना रहे। तो बहुत सालों तक जिंदा रहे और एक ही बार करे तो वो है क्या, बैम्बू और नीलाकुरंजी। जो लोग एक बार करते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहते हैं वो कौन रहते हैं, एनुअल और बाइनियल। तो चाहे वीट हो गया, ग्रासेस कोई भी हो गया, वीट राइस मेज वो हो गए, वो भी तो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो एक ही बार तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहे हैं, कहां बहुत बार कर रहे हैं। इसलिए उनको भी हम मोनोकार्पिक ही बोलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको। मोनोकार्पिक का मतलब अब तुम साल पे मत जाओ, ईयर्स पे मत जाओ कि हाउ मेनी ईयर्स दे आर सर्वाइव, यू जस्ट फोकस ऑन कि कितने टाइम वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, टाइम्स दैट परफॉर्म फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। जैसे मोनो मतलब होता है सिंगल, और कार्पिक मतलब होता है कार्पल, और कार्पल किससे रिलेटेड है, ओवरी, और ओवरी ही फर्टिलाइज करके बनाती है फ्रूट बनाती है। आई बस समझ गए, मोनो मतलब सिंगल और कार्पिक मतलब कार्पल, और कार्पल किससे रिलेटेड है, ओवरी, और ओवरी फर्टिलाइज करके क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी।